काली तोरी और पकोड़े। आज बनेंगे काली तोरी और पकोड़े का सालन। बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनने वाला है सालन। मेरे साथ रहिएगा और फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। बगैर टाइम ज़ाया किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि काली तोरी को किस तरह से कटिंग करना है। आमतौर पर छुरी के साथ इसको पेल ऑफ कर लेते हैं और उसके ऊपर ग्रीन सा इसके ऊपर छिलका रह जाता है, जो कि सख्त होता है और तोरी सख्त हो जाती है। इसको कटर के साथ इस तरह से पील ऑफ करें ताकि ये वाइट स्किन जो है इसकी नज़र आनी शुरू हो जाए। एक मैंने आपको करके दिखा दी है, बाकी आप खुद से करें और मुझे बताएं कि आपने मेरे तरीके से तोरी को पील ऑफ किया तो आपको कैसा फील हुआ। सारी तोरी को बारीक बारीक काट लें, दरमियान में से कट लगाएं और इसकी कटिंग कर लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो बहुत शुक्रिया आपका, आपकी सब्सक्रिप्शन का। काली तोरी आमतौर पर मीठी होती है, इसलिए इसमें हम थोड़ा प्याज डालेंगे और लहसुन अदरक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम बनाने जा रहे हैं झटपट से सब्ज़ी, और सब्ज़ी बनाने के लिए हमने क्या करना है, टमाटर काट लेने हैं, हरी मिर्चें कटिंग कर लेनी है, और सब्ज़ी तो हम ऑलरेडी कटिंग कर चुके हैं। इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, एक ही जगह में डालकर, एक ही दफ़ा डालकर रख देंगे। सब्ज़ी भी कटिंग कर ली और इन सारी चीज़ों को हम देखें, प्याज को सौते करने के बाद इसमें मैंने टमाटर डाल दिए हैं और साथ ही मैंने सब्ज़ी डाल दी है, और इनको कर लेंगे दो मिनट के लिए सौते करेंगे। और साथ ही मैं इसमें नमक मिर्च मसाले जो हैं वो डाल दूँगी। ज़्यादा इसमें मसाले भी नहीं जाएंगे, इसमें सिर्फ नमक जाएगा, चिली फ्लैक्स जाएगी, सादा काली मिर्च, रेड मिर्च जाएगी, और थोड़ी सी मैं इसमें काली मिर्च और हल्दी डाल दूँगी। दैट्स इनफ। इसके अलावा इसमें हम कोई मसाला, कोई इंग्रेडिएंट नहीं डालेंगे। लास्ट में अगर होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आल स्पाइसी गरम मसाला डाल देंगे, इसके अलावा नथिंग एल्स। सब्ज़ी में बिल्कुल भी पानी इंक्लूड नहीं करते हैं, सब्ज़ी अपना पानी खुद छोड़ेगी। इसको मिक्स करने के बाद हम रख देंगे ढाँप कर 5 से 10 मिनट के बाद। इसमें मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि इसने पानी कितना छोड़ा है। इसको रख देते हैं साइड पे और करते हैं पकोड़ों की तैयारी, क्योंकि आज बनने जा रही है मज़ेदार सी काली तोरी विद पकोड़ा। पकोड़े के साथ काली तोरी बनेंगी। प्याज और आलू को कटिंग कर लें बारीक बारीक सा, और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लें। वॉश ज़रूर किया करें हर चीज़ को, ताकि इसमें जो भी मट्टी शट्टी है वो निकल जाए और साफ़ सुथरी सी हो जाए। चले मैं आपको दिखाती हूँ काली तोरी ने कितना पानी छोड़ा है। इसका पानी जितना भी था वो डिसॉल्व हो गया, पानी इसने छोड़ दिया। अब ये इसी पानी में गलेगी, थोड़ी सी रह गई है बाकी, ये आलमोस्ट तकरीबन हो गई है। इसको फिर से हम जो है हल्की आंच पे रख देंगे पकने के लिए, और बनाते हैं पकोड़े। पकोड़ों में मैंने डाल दी है सूखी मेथी। सूखी मेथी का टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है, इसको आप घर में भी बना सकते हैं। गर्मियों में जब ये मेथी आती है तो मेथी के पत्ते धूप में सुखाएं और इनको कर लें प्रिजर्व। इसमें डालें ग्रीन मसाले, हरा धनिया डालें, बेसन डालें, और डालें थोड़ा सा मैदा। जितना आपने बेसन लेना है उससे आधा आपने बेसन लेना है। नमक डालें, चिली फ्लेक्स डालें, काली मिर्ची मैं हर चीज़ में डाल रही हूँ आजकल। इसमें डालें हल्दी और नमक, और इसको कर लें मिक्स 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 मिक्स। अच्छी तरह से इसको मिक्स करें। मिक्स करने से पहले इसमें सूखा धनिया हाथ पे मसल के डाल दें। थोड़ा सा मसाला जो था, मसाला कह रही हूँ, सूखा धनिया जो था वो हाथ पे मसल के सब्ज़ी में भी शामिल कर दें। जब तक मैं बनाती हूँ पकोड़े, आप जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन भी दबा दें। ये सब कुछ फ्री है, सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है आपको पर्वक मौसूल हो सके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें, ताकि वो भी अच्छी अच्छी वीडियो से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। एक स्मूदी सा टेक्सचर देने के लिए हम घर की बनी हुई बलाई जो है, मलाई जो है दूध के ऊपर जो आती है, वो हांडी में शामिल कर देंगे। इसको ज़रूर इंक्लूड किया करें, देखिएगा कि इससे हांडी का टेक्सचर जो है बहुत ही मुलायम और मज़े का हो जाता है।
पकोड़े बनाते हैं, मैं दो सेक्शंस में बनाऊंगी, आप जितने बनाना चाहते हैं उतने बनाएं और इसको शामिल कर दें हांडी में, सब्जी में, और इंजॉय करें काली तोरी विद पकोड़ा। काली तोरी को वैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, किसी को पता है तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर किया करें, मुझे बताया करें क्या मेरी वीडियो कहाँ से और किस शहर से देखते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके रिव्यूज़ पढ़ती हूँ, मैसेजेस पढ़ती हूँ। ये लीजिए पकोड़े भी हो गए रेडी, अब इनको निकालते हैं और डालते हैं सालन में। पकौड़ों को छोटे छोटे से पीसीस में करें और इसको डाल दें काली तोरी में, शामिल कर दें। काली तोरी ऑलमोस्ट पक चुकी है लेकिन गैस हो गई हमारी बंद, इसलिए हम इसको इसी तरह से प्रेजेंट करते हैं। जब गैस आएगी तो फिर हम आपको दिखाएंगे इसकी फाइनल लुक। स्टे विद अस, स्टे ब्लेस्ड और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जब इसका पानी पानी खुश्क हो जाएगा और घी नज़र आने लग जाएगा तो सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इफ यू हैव नॉट लाइक एंड शेयर, इट इज़ ऑल ऑफ फ्री इन कॉस्ट।